पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण बिहार में हाहाकार मचा है। नदियों का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। वहीं नेपाल से भारत की सीमा क्षेत्रों से होकर बहने वाली परमान, कनकई, बकरा जैसी प्रमुख नदियां उफान पर हैं और इसी कारण फारबिसगंज अनुमंडल के दमदाहा, पीपरा, कुशमाहा, रंगड़ा, रानीगंज, पॉटरी, मधुबनी, रमेश सबसे अधिक प्रभावित हैं। तो वहीं परमान नदी का पानी फारबिसगंज कुसरा कांटा मार्ग पर सड़क से ऊपर बह रहा है। इतना ही नहीं, कई गांवों में घरों में पानी घुस जाने के कारण लोग गांव छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। देखने वाला नहीं है, आप कैसे देखने चले आए हैं? क्या समस्या हो रहा आपको? सही को घर गिर गया है, दिक्कत है। बाल बच्चा ले, बाल बच्चा को लेके यहीं रह रहे हैं? हाँ, पानी में। खाना आप इसी तरह से बना रहे हैं? अभी पानी जिससे आपके घर में घुसा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि कई जगहों पर लोग जज्जर पुल के सहारे आगमन करने को मजबूर हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक प्रशासन की ओर से प्रभावित इलाकों में कोई राहत कार्य नहीं किया गया और इसी वजह से लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अररिया से राकेश कुमार की रिपोर्ट।